नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने भुगतान ना होने पर आज एलाइट चौराहे पर धरना प्रदर्शन कर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की ओर से नगर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहे जमाकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए आश्वासन दिया कि प्रशासन अपने स्तर पर उनका भुगतान कराने का हर संभव प्रयास करेगा। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का कहना था कि झांसी जिले के लगभग 6 लाख लोगों ने सहारा इंडिया में लगभग 800 करोड़ रुपए जमा किए थे। तमाम योजनाओं में रुपए जमा करने के बाद भी योजनाओं की अवधि पूरा होने पर उनका भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में कई बार जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जमाकर्ताओं का कहना था कि कंपनी के उच्चाधिकारियों की बर्ड्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए तथा झांसी जिले में स्थित सहारा इंडिया की 160 एकड़ ज़मीन को नीलाम कर जमाकर्ताओं का मेहनत का पैसा वापस दिलाया जाए। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। दिया जा रहा है, किस लिए दिया जा रहा है? झांसी में इतने गरीब परिवार हैं जिनका सहारा में पैसा इन्वेस्ट है, वो पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सभी लोग इलाइट चौराहे पे एकत्र हुए हैं। वो आज इलाइट नहीं, पूरे देश में सभी जगह मुख्य चौराहों पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जिससे कि गरीब जनता का पैसा मिल सके। और एक एक कार्यकर्ता बहुत पीड़ित है। मैं सभी लोगों से की तरफ से आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से और सांसद महोदय जी से। मैं हम ही लोग सब जनता की तरफ से, मैं सांसद जी के यहाँ, विधायक जी के यहाँ, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, SDM साहब के यहाँ बारी बारी ज्ञापन दे चुके हैं, उन्होंने हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं की है और हम लोग पीड़ित हो गए। आज मजबूरन में एलाइट चौराहा पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं। हम सभी लोगों से, आप सब लोगों गुजारिश है, हम सब गरीब जनता का पैसा दिलाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। जमाकर्ता दुखी जमाकर्ता जो झांसी के लगभग 6 लाख पीड़ित जमाकर्ता है, वो शासन के ये मांग करने आए हैं कि हम लोगों का भुगतान कराने की कृपा करें। झांसी के जनप्रतिनिधि हैं, झांसी के विधायक सांसद जी से, जो कि आज हम लोग बार बार कई 2 सालों से हम लोग समस्या का समाधान के लिए जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार समाधान नहीं। आज हमारी जनता झांसी की आज शांतिपूर्ण ढंग से इस समस्या को अवगत कराने आई है और चौराहे पे बैठी है कि आज समस्या का समाधान। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग ये चाहेंगे, पूरे हिंदुस्तान में आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो कि जनता दिल्ली में जंतर मंतर पे भी है और उसी के लिए हम लोग यहाँ झांसी में बैठे हैं और बताना चाहते हैं कि इस समस्या को संज्ञान में लेकर निभा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप क्या करोगे? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आज हम लोग शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन के लिए है और गरीब जनता है, अगर समाधान नहीं होता है तो हम लोग उग्र भी हो सकते हैं और अगले माह मेयर के जो चुनाव है तो चुनाव का भी बहिष्कार हो सकता है। कितने पीड़ित है सहारा से? सहारा से तो लाखों पीड़ित हैं और मेरे सहारा भाइयों ने, जो हम अभी तक नहीं जानकारी है, जिन जिन ने सुसाइड किया हुआ है, किनके खाते दिया हुआ है, अपने निवेशकों के खाते दिया हुआ है, अपने आप को बलिदान दे दिया है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बना के दिया है कि एक सैनिक सीमा पर जब मरता है तो उसको शहीद कहा जाता है, लेकिन मेरे उन भाइयों ने, कई भाई हैं जिन्होंने सुसाइड किया हुआ है और लोग कहते हैं
ने मर गया है उसकी भी शहीदों में गिनती होनी चाहिए, क्योंकि उसने भी पब्लिक के खातिर अपने आप को बलिदान किया है और इन निवेशकों के खातिर बलिदान किया है कि उनका पैसा उनको वापस दिलाए। अगर आपकी मांगे पूरी होती तो आप क्या करोगे? हम इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो सरकार है और उनको ये बताएंगे कि गरीबों का पैसा कोई भी हजम नहीं कर सकता है। क्या आप एक बार ये आपसे पूछना चाहते हैं, ये जो सिग्नेचर टावर बन रहे हैं, कई मंजिला बन रहे हैं, नोएडा ग्रेटर नोएडा में भी आपने देखा है कितनी लंबी लंबी इमारतें बनी हुई हैं, ये किसके पैसे से बन रही है? पब्लिक के, जो पब्लिक ने। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नई खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।